में इंडिया न्यूज की खबर का ये बड़ा असर हुआ है। दो दिन का मासूम सकुशल बरामद किया गया है। किन्नर और उसके साथी ने चुराया था बच्चा। सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से चुराया गया था बच्चा। बच्चे के परिजनों ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई करते हुए, और यहाँ पर इंडिया न्यूज़ की खबर का बड़ा असर हुआ है। सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से चुराया गया था बच्चा, और ऐसे में बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया है और परिजनों को सौंप दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुँचा रहे हैं, जहाँ पर इंडिया न्यूज़ की खबर का ये बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें कि सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से बच्चा गायब हो गया था। पुलिस ने किन्नर और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट कर लिया। लगातार अब उनसे पूछताछ की जा रही है। दो दिन का मासूम को चुराकर किन्नर भाग गए थे, और ऐसे में पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए सकुशल बच्चे को बरामद किया। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जतिन लाइव जुड़ चुके हैं। जतिन, क्या है आखिर ये पूरा मामला? आप अपना सवाल दोहराएंगे एक बार? जतिन, दो दिन के बच्चे को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया, और यहाँ पर इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर आपके पास? देखिए, इस मामले में किन्नर का एंगल सामने आया है। एक किन्नर ने इस बच्चे को चोरी किया था, और वो चाहता था कि वो बच्चे को पाले पोसे, क्योंकि किन्नर ने शादी कर ली थी लेकिन बच्चा नहीं हो पाया था, और इस वजह से किन्नर ने ये जो पूरी वारदात है वो अंजाम दी थी। अब जाहिर है पुलिस के सामने कई और सवाल हैं जो अभी खड़े हुए हैं, लेकिन पुलिस उन सवालों का जवाब तलाशने में जुटी हुई है कि आखिरकार किस तरह से ये पूरी साजिश जो है वो रची गई। लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया वो काफी ज्यादा चौंकाने वाला मामला है। अच्छी राहत की बात ये है कि बच्चा जो है वो सकुशल बरामद कर लिया गया है, और किन्नर और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है।